करता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सरतुल गाजी का सीजन 5 का एपिसोड 11 आइए देखते हैं। देखते तुम्हारे बाबा की हालत इतनी खराब नहीं थी, क्या इनसे मिलने के लिए कोई आया था यहाँ? नहीं, मैं बाबा के साथ रहती थी, बस कभी कभी कुएं से पानी लेने जाती थी, मैंने किसी को नहीं देखा। इस मामले की तहकीकात जरूरी है, इन दवाइयों को अच्छी तरह से जांचना होगा मुझे। बेटी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो, बिल्कुल तकल्लुफ ना करना, ठीक है बेटी? बहुत शुक्रिया। ओ, अगर ये नेकलेस दे देगा ना, मुझे बहुत दुख हुआ। खुदावंद राजी हो तुमसे। ये सही वक्त तो नहीं, मगर कैसी हार के लिए परेशान थी तुम? हाँ बिल्कुल आसमान, यही मेरा हाल है। मेरे बाबा की बस यही एक निशानी है, इसे देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलेगी। उस्मान, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया तुमने, बाबा की निशानी वापस लिया है, एहसान मन रहूंगी मैं। जो मुझे करना चाहिए था बस वही किया है मैंने, और अहम यह है कि मैंने अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। बहुत शुक्रिया उस्मान। मुझे वो दवाइयां दो साउची जो मैं लेकर आया हूं। ये तो वही दवाई है ना जो आपने थियोक्लिस के लिए बनाई थी? मुआयना करने की क्या जरूरत है? अभी मालूम हो जाएगा साउची। जरा मुझे वो नीले रंग की दवाई देना। अब मुझे वो दवाई दो जिसमें जड़ी बूटियों की आमिश है। hmm.
काटा हो गया ना पूरा। आर्दुक साहब ये तो ये कैसे हो सकता है, इसकी शक्ल तो बिल्कुल ही तब्दील हो गई है। मुझे फौरन सराय जाना होगा साहब जी। लेकिन फंसे यार। दिन पर दिन इसके लिए बोलते ना मुश्किल बढ़ती जा रही है। तो सब आ गए आज हम लोग। साहू जी नहीं, उस्मान साहू जी का है। जंगल में होंगे अब तिमूर उस्ताद, या फिर किसी पहाड़ पर जड़ी बूटियां और परिंदे लेने गए होंगे। कहीं ऐसा ना हो साहब जी भाई वापसी का रास्ता ही भूल जाए। आ जाओ साहू जी आ जाओ। अरे ये तो परिंदा है। नहीं ये बात है वो काम नहीं। इसे क्या हुआ साहू जी, कहां से मिला ये तुम्हें? जब मैं दरिया की तरफ से आ रहा था तो इसकी आवाज सुनी। मस्त है ना? और मुझे लगा ये बेचारा किसी तकलीफ में है। ये देखें आप, मैंने इसके जख्म पर मरहम लगा दिया है तिमूर उस्ताद। मस्त है। अपने पास रखूंगा। अच्छी बात है, हमारे पैगंबर सिर्फ इंसानों के लिए ही रहमत बनाकर नहीं भेजे गए थे बल्कि उनकी रहमदीदी तमाम मखलूकात के साथ थी, क्योंकि वो कुरान के मुताबिक रहमत लिल आलमीन थे।
अल्लाह का खल्क किया हुआ हर जानदार कीमती और अहम है। दुनिया के तमाम दरख्त, तमाम मौजूदात हर एक फायदे के लिए खल्क किए गए हैं, लेकिन हमारे भी कुछ फराइज हैं। हमें जानवरों की कदर करनी चाहिए और जहां तक हो सके इन जानवरों से प्यार करना चाहिए और जहां तक मुमकिन हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। और जब भी किसी जानवर को तकलीफ में देखें तो इन बेजुबानों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा ही किया साजी। अक्तिम और उस्ताद, हमें चाहिए इस परिंदे की मदद करके अपने नबी के नक्शे कदम पर चले हम। बिल्कुल ठीक है ना साजी? जी बिल्कुल, लेकिन ये आज रात मेरे साथ ही रहेगा, मुझे इसकी देखभाल करनी है। सराय का बावर्ची हूँ खातून, कहा देता हूँ। अर्तुरुल सरदार के सराय में मैं किसी पे एतमाद नहीं कर सकती। बुरा मत मानिए, मैं अपने बाबा के लिए पका रही हूँ। आया जांगुच, मुझे नमक दो जरा। याद है तुमने मुझे बताया था तुम इस सराय की हर बात जानते हो, है ना? जानता हूँ, मगर देखा नहीं है। सब कुछ अपनी पीठ पर लाता हुआ है। तो तुम्हारी पीठ का बोझ हल्का कर दूंगी मैं। मालूम करो कुंदूस कहाँ है। अगर मेरे लिए मजीद मालूमात लेकर आओगे तुम तो बोझ और हल्का हो जाएगा। जैसा आपका हुक्म।
क्या गलत कर रही है? सही है, पता करके बताओ कि वो कहाँ छुपा है। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला भाई। बदकिस्मती से थियोक्लिस को दी जाने वाली दवाई में किसी ने जहर मिला दिया था। ये काम कौन कर सकता है आर्थर भाई? आपने पूछा कौन आता जाता था? पाया कि वो अपने बाबा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, मकड़ियों की तरह जासूस जाल फैला रखा है उन्होंने। कुंदूस के बगैर मैं यहां से नहीं जा सकता आर्थर भाई। आप पूरी तरह होशियार और मोहतात रहिएगा, वो हमारे दरमियान है, निहायत करीब मौजूद है हमारे। ड्रैगोस नामी बला के मालूम होने तक पल भर के लिए भी आप नहीं झपकाएंगे हम लोग। जो आपका हुक्म भाई। एक और बहुत अहम मसले पर बात करनी है आपसे। जी बताइए भाई। अक्सर गली ने नए मार्के के लिए मुझे मुंतखब किया है। अल्लाह आपको सरफराज रखे भाई। अल्लाह आपकी इस मार्के में अक्सर तरह की मदद और हमेशा बहुत सपोर्टिव है। आमीन। हालिया दिनों के बारे में क्या ख्याल है मैकिस? मंगोलों के महसूल का मामला कम था कि यह कत्लो गारत का बाजार भी गर्म हो गया? इसके बावजूद भी हर शख्स अतरुल सरदार की सल्तनत में ही रहना पसंद करता है। मैं भी। हमें अतरुल सरदार पर पूरा एतमाद है। बेशक हमारे हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। जो कुछ कहा है, एक तरफ मंगोलों का गुस्सा और उनकी दुश्मनी अतरुल सरदार की मुश्किलात में इजाफा करेगी, और दूसरी तरफ उनका बेटा भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम तो देख ही रहे हो, ये सब सब तकदीर का खेल है। हमारा मुकद्दर हमारे साथ है, उन्हीं की वजह से आज हम खुशहाल हैं, और वो ही हमारे बेहतरीन हैं, तो क्या उनका साथ छोड़ दें? मैं तुर्कों के साथ सोहुत में काम करके खुश हूं, और हमेशा यही रहना चाहूंगा मैं। इन तुर्कों के साथ साथ हम भी डूब जाएंगे मैं किस। आंखें खोलो अपनी, हमें अब इन तुर्कों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अतरुल का सूरज जल्द डूबने वाला है। होश में आओ मैकिस, जा तो आ जाना, मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारे लिए। यकीन करो तुम्हें यह रास्ता इस खलासत से बचा लेगा, समझे मेरी बात? क्या लगता है पलटेगा? ये तो वैसे भी उसके लिए ही तो काम करता है। कौन? नहीं ये थोड़ी काम, ये नहीं, ये नहीं, नहीं। अच्छा वो एक और एक आता था ना, वो ये देखो उसको।
दीजिए पापा। पहले बेटे ने, फिर उसके बाप ने मेरे गले पर तलवार दी। हरकत से नहीं फिक्र रहे आप, वो लोग फिर कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये लीजिए आपके लिए यखनी बनाई है। मेरी बात गौर से सुनो बेटी, सुल्तान मौसम अर्तुरुल की वजह से बहुत परेशान है। उसकी खुदसरी और इस रवैये की वजह से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस पर नजर रखूं। तो क्या यही वजह थी कि खुद जाने से पहले आपने मुझे मालूमात हासिल करने भेजा उनके कबीले में? हाँ बेटी, और सही वक्त आने पर सुल्तान यहाँ का इख्तियार मेरे हवाले कर दिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल मेरी तवक्को से भी ज्यादा खराब है। पता नहीं जमीन पर हम आबाद होंगे या फिर हमारी कब्रें बनेंगी। तुम्हारी तो बन जाएगी, बट तुम्हारी भी बनेगी। जो हरकत है ना तुम्हारी, करना है मुझे आराम करना है। बाबा को अकेला हर किस जैसा आपका हुक्म मिल गया खातून। क्या लेकर आए हो? तुम क्या कर रहे हो यहां? खाना लाया हूं मैं। कोई देख ले इसको। एक्चुअली मरने से पहले अपनी आखिरी दुआ पढ़। उसका ही खंजर है। बस 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 बस
मौत को जल्दी से गले लगा लिया मोर सरदार। मेरी फतह का रास्ता तुम्हारी लाश पर से गुजरता है क्योंकि तुम पहली सीढ़ी हो। बंदर को टाइम गुस्सा है अंदर यार, बहुत ज्यादा टाइम है सर, टाइमिंग ही साथ नहीं दे रहा ना बंदे का। चलो सिपाही, आ सकता हूँ मैं? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो उस्मान? भूल गए क्या कुछ हो चुका है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, अपनी गलती पर पछतावा है मुझे। मैं आपके हाथ का बोसा लेकर माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। बिलगे खातून को लेकर आओ, उन्हें कुछ दिखाना चाहता हूं मैं। जो आपका हुक्म भाई। एक अच्छे सिपाही की तरह लड़े तो अपने भाई की जान बचाई, लेकिन ये मत भूलना कि उस खतरे में तुमने ही डाला था उसे। एब्सोल्युटली। सिपाही बनना है तो पहले काबू पाना सीखो खुद पर, और सबसे पहले जरूरी है कि सरदार की बात मानी जाए। सरदार की बात मानोगे तो लोग तुम्हारी बात मानेंगे। अगर काट चाहिए तो तलवार अच्छी होनी चाहिए। अगर तुमने एक अच्छा रहनुमा बनना है तो अपनी गलतियों से सीखना है। जो भी समझाया मैंने, जो भी नसीहत की तुम्हें, उसे जिंदगी भर भूलना मत उस्मान। समझ गया बाबा, आपकी दस्तपोशी करनी है। आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं बाबा। बताओ। सावजी भाई और मैं जब जंगल में दुश्मनों से लड़ रहे थे, उन आदमियों के चेहरे छुपे हुए थे, लेकिन मैंने कुछ देखा था। क्या देखा? उनमें से एक के हाथ पर नक्श बना हुआ था, जैसे कांटे होते हैं, उनके नहके से दुश्मनों की तलाश में मदद मिल सके। किसी को नहीं बताया मैंने। शाबाश, शाबाश। सिपाहियों को चौंका न करूंगा मैं, तुम भी खुली रखना अपनी आंखें। यहां बहुत दुश्मन है, सोच में तुम हर जगह हर शख्स पर गहरी नजर रखना। सही बात है। जो आपका हुक्म सरदार।
ये क्या कर रहा है? शुक्र है तुम वापस आ गए भाई, तुम्हारी तलाश में निकल रहा था मैं। बाबा, उस्मान, सावजी, सब कैसे हैं? चाली ठीक है ना? बाबा और उस्मान को घेरा हुआ देखा था कातिलों में, फिर अचानक किसी ने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ? कुछ भी, शुक्र है अल्लाह का। तुम वहीं पर थे? वहीं पर था, वहीं पर था, लेकिन जब होश आया मुझे तो मैंने खुद को एक घर में पाया। खंजर भी गायब था। ये कैसे हो सकता है? किसने किया होगा? शकीराम का इंतकाम लूंगा उनसे, छोड़ूंगा नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आओ बैठो यहाँ। तुम्हारे जिंदान से फरार होने पर सरदार बहुत नाराज हैं। एक बात और बतानी है। बता दिया ना चारी, बताओ क्या बात है? हाँ बताता हूँ, बैठ जाता हूँ। इल्तुतमिश के खातून ने जिंदान में आके मुझ पर हमला किया था। उस खातून को तो भेजो, तुम्हारे पापा ने सबक सिखा दिया। लेकिन इराना, क्या हुआ उसे? तुरंत सरदार को सब पता चल चुका है मेरे भाई। डर के मारे आ भी जाए यार। क्या ही बोले सच्ची यार, ये बहुत बुरा फंसने वाला है, बहुत बुरा। अगर बट अभी ये वो फंस तो अभी गया है, अभी इसको खंजर भी मिल जाएगा सब कुछ मतलब, और ये इधर इधर बैठा है। क्या वो देखा ही, वो जाके बोलेगा और खून करके इधर आया। ऐसे कुछ होगा। बट एक्चुअली गुंडूस वैसा मतलब यू नो उसका टाइम खराब चल रहा है, हर जगह फंस रहा है। वो लोग ने देखभाल कर रहा है मतलब, देखा जाए ना तो उस्मान फुल ऐसा तलवार वलवार लेके दिमाग और गुंडूस गुस्सा है, गुस्सा है। और ये कैसा है कि साहब जी कि मतलब मेडिसिन थोड़ा डॉक्टर डॉक्टर टाइप बोलते हैं ना, वैद्य 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 टाइप, हाँ वैसा है। तो अच्छी बात है यार, अच्छा लगता है देख के। चलो अब देखना होगा क्या लगा। सब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।